नमस्कार, जेके खबर नाव में आपका स्वागत है और मैं शक्ति ठाकुर। इस समय जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर के बारे में हम बात करते हैं। बजरंग दल ने पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन किया है और बजरंग दल ने सभी राजनीतिक दलों का पुतला को एक साथ मिलकर फूंका है। बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमान आबसे हैं और इन्हें जम्मू कश्मीर से निकालने के लिए कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहा है। इसी नाराजगी के चलते बजरंग दल ने पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह सभी राजनीतिक दलों के पुतले फूंककर प्रदर्शन किया है। प्रदेश अध्यक्ष जो बजरंग दल है उनका कहना है कि रोहिंग्या मुस्लिम जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए खतरा बन चुके हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल बाहर आकर फ्रंट पर आकर इन रोहिंग्या मुसलमानों को जम्मू कश्मीर से निकालने का प्रयास नहीं कर रहा है, जिसके चलते समस्त जगह जम्मू कश्मीर में बजरंग दल ने आज पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ पुतला फूंक कर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, प्याज में सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा रोहिंग्यों को जम्मू कश्मीर से बाहर नहीं निकाला। रोहिंग्या जम्मू कश्मीर के लिए खतरा बने हुए हैं, मगर सभी राजनीतिक दल सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। जम्मू से रवि शर्मा की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वह सभी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी है, सभी के खिलाफ है क्योंकि कोई भी पार्टी रोहिंग्यों को यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहती। हम लगातार कई वर्षों से लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार इनको तुरंत बाहर निकाले क्योंकि 2700 किलोमीटर का फासला तय करके ये रोहिंग्या किस मस्जिद से यहाँ पर आए हैं, जम्मू कश्मीर में बसे हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रोहिंग्या जो है वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी सुरक्षा एजेंसी ये मानती है कि रोहिंग्या जो है वो सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इनको बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा। NRC के द्वारा जो लागू किया गया असम में उसके तहत जब पूरे देश में लागू होना चाहिए और जांच।